गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का मेरा वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो। एक्चुअली मेरे पास काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं टीनेज स्किन केयर रूटीन पे वीडियो बनाऊं, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक सिंपल टीनेज स्किन केयर रूटीन। अगर आप टीनेजर है और सोच रहे हैं कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, तो मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी रेकमेंड करूंगी। मतलब ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं आपको वो प्रोडक्ट्स रेकमेंड करूंगी जो कि आपको सूट करेंगे, और इसके अलावा मैं आपको कुछ डीआईवाईज भी बताऊंगी और साथ में बताऊंगी कुछ डूज एंड डोंट्स अगर आप एक टीनेजर है। तो ये जो वीडियो है ये कंप्लीट गाइड होने वाली है टीनेज स्किन केयर रूटीन के लिए, तो फिर वीडियो को पूरा जरूर देखें, काफी यूजफुल होगा आपके लिए। और नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमारी स्किन जो होती है वो काफी सॉफ्ट होती है और काफी शाइनी होती है, लेकिन जैसे ही हम लोग टीनेज में कदम रखते हैं तो हमें काफी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स जो होती है वो होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि हमें एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स होना तो बहुत ही कॉमन है, ये तो सबको होता ही है। तो नॉर्मली जो टीनेजर्स होते हैं वो काफी वरिड हो जाते हैं जैसे ही उनको ये स्किन प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती है, और पैनिक में वो क्या करते हैं ना कि कभी भी कोई भी कुछ भी बोलता है तो वो उसको अपनी स्किन पे लगाना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट आजकल इंटरनेट पे इतना एक्सपोजर है, इतने वीडियोज है, इतने प्रोडक्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो मतलब नॉर्मली जो टीनेजर्स होते हैं वो काफी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी स्किन पे लगाना शुरू कर देते हैं। हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें अपनी स्किन पे कोई भी कुछ भी बोले तो उसको नहीं लगाना है। अगर आप लोग सिंपल एक सीटीएम रूटीन भी फॉलो करते हैं तो वो भी काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। टीनेज में हमारी स्किन जो होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है और नेचुरली ग्लोई स्किन होती है, और इसके अलावा वो खुद को हील करने की ताकत भी रखती है। मतलब वो खुद को रिवाइव कर लेती है, रीजनरेट कर लेती है, तो हमको बिल्कुल भी वो महंगे महंगे पोटेंट इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। इनफैक्ट अगर आपको कोई बोले कि एंटी एजिंग चीजें लगानी शुरू कर दो क्योंकि इससे आपको जो एजिंग है वो थोड़ी देर के बाद होगी, तो आपको ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके अलावा आज की वीडियो में मैं जो भी प्रोडक्ट शेयर करूंगी वो काफी अफोर्डेबल है, 150 के अंदर मिल जाएंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी स्किन केयर रूटीन शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो कैसा है, मतलब आपकी स्किन जो है वो कैसी है, ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन है या फिर ऑयली स्किन है। तो उसके लिए आप सिंपल कर सकते हैं कि आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कीजिए और 5 मिनट तक अपने फेस को ऐसे ही रहने दीजिए। तो अगर 5 मिनट्स के बाद आपको आपकी स्किन काफी खिंची खिंची लग रही है, काफी ड्राइनेस लग रही है, तो आपकी स्किन जो है वो ड्राई है, और 5 मिनट के बाद आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल बैलेंस लग रही है आपकी स्किन, तो इसका मतलब कि आपका जो स्किन टोन है वो नॉर्मल है। और इसके अलावा अगर आपके इस एरियाज में, टी जोन एरियाज में, यहाँ यहाँ ऑयल है और यहाँ यहाँ ड्राई है, तो इट मींस कि आपकी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन है। और अगर आपको लगता है कि पूरे ही फेस पे ऑयल आ रहा है तो आपकी स्किन जो है वो ऑयली स्किन है। टीनेज में स्किन प्रॉब्लम्स होने के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, हार्मोनल रीजंस हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकते हैं, आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं या फिर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ऑयली है, एक्सेसिव ऑयल निकलता है, तो हमें एक्ने, पिंपल्स, ब्लैक एंड व्हाइट हेड, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा ना हो कि एक पिंपल निकले और 2 पिंपल निकले और आप लोग स्ट्रेस लेना शुरू कर दे कि ओहो पिंपल निकल गया अब तो पूरी लाइफ ही खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। मतलब आपको, आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे आपको उतना ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो आपको सिंपल अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है और एक सिंपल स्किन केयर रूटीन जो है वो फॉलो करना है, और आप देखेंगे कि उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो गाइस, स्किन केयर का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है क्लेंजिंग, और क्लेंजिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह भी आपको फेस वॉश करना है और रात को सोते हुए तो जरूर आपको फेस वॉश करना ही है, ताकि जितनी भी डर्ट, इम्प्योरिटीज, ऑयल वगैरह है वो आपकी स्किन से निकल जाए। और अगर आप मेकअप यूज करते हैं फिर तो आपको जरूर रात को अपने फेस को वॉश करके ही सोना है। और क्लेंजिंग के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप ये बायोटिक का हनी जेल फेस वॉश यूज करें, मतलब ये मैं यूज करती हूँ, काफी अच्छा है, ड्राई स्किन के लिए भी काफी अच्छा है। और अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है तो आप नीम फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं, ये बायोटिक का है। इसके अलावा आप हिमालय का जो नीम फेस वॉश है वो भी यूज कर सकते हैं, और हिमालय ने अपना ये फ्रेश स्टार्ट वाला जो फेस वॉश निकाला है ये भी टीनेजर्स के लिए काफी अच्छा है। मतलब ये कोई बहुत बड़े बड़े दावे नहीं करता, ये सिर्फ कहता है कि आपकी स्किन को क्लेंज करेगा, तो यही तो हमें चाहिए। और ये जो क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश है ये तो आई थिंक सभी टीनेजर्स की फर्स्ट चॉइस है, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा डीपली क्लीन करता है। तो गाइज, आपको ज्यादातर ऐसे ब्रांड्स चूज करने हैं जो कि जिनमें कि बहुत ज्यादा केमिकल्स ना हो, जो मोर ऑफ अ हर्बल साइड हो, जैसे कि बायोटिक हो गया, हिमालय हो गया, और आपको ये जरूर देखना है कि उसमें पैराबेंस और सल्फेट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो क्लेंजिंग के बाद अब हम करेंगे स्क्रबिंग, और स्क्रबिंग हमें रोज नहीं करनी है, ये हमको सिर्फ ट्वाइस अ वीक ही करनी है। और अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लैकहेड्स होते हैं तो ही ट्वाइस अ वीक करें, वरना वंस अ वीक भी करेंगे तो भी चलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं या ब्लैकहेड्स हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्किन को रब करना शुरू कर देंगे, इससे हमारी स्किन जो है वो काफी खराब हो सकती है। और
स्क्रबिंग के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि बायोटिक का ये पपाया वाला जो टैन रिमूवल स्क्रब है ये आप यूज करें। काफी अच्छा है, काफी माइल्ड है, इसके छोटे छोटे ग्रेनुल्स होते हैं और बहुत इजीली आपकी स्किन को क्लीन कर देता है। और इसके अलावा क्लीन एंड क्लियर का ये जो ब्लैक हेड क्लियरिंग डेली स्क्रब है ये भी बहुत अच्छा है। और आप चाहे तो घर में ही DIY स्क्रब भी बना सकते हैं। राइस फ्लावर सुना होगा आपने, चावल का जो आटा होता है बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है घर में। आप थोड़ा सा राइस फ्लावर लीजिए, उसमें थोड़ा सा कर्ड डालिए, मिक्स करिए, और चाहे तो आप हनी भी उसमें मिक्स कर सकते हैं या फिर आप तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं अगर आपकी ड्राई स्किन है तो। और उस पेस्ट को आप अपने फेस पे रब कीजिए, इससे अभी आपकी जो स्किन है वो काफी अच्छे से स्क्रब हो जाएगी और आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो गाइस अगला स्टेप होता है टोनिंग। तो टीन एज में तो हमको बहुत ज्यादा टोनर्स यूज करने की जरूरत नहीं होती है। आप अगर सिर्फ ये रोज वाटर भी यूज करेंगे तो इससे भी आपकी स्किन जो है वो काफी अच्छे से टोन हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि टीनेज में हमारी जो स्किन होती है वो खुद को खुद ही रिवाइव करती है, खुद ही रीजनरेट करती है, तो हमको बहुत ज्यादा टोनर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो आप ये अरोमा मैजिक का टोनर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह की स्प्रे पैकिंग में आता है, तो जब भी आपको लगे कि फेस पे बहुत ज्यादा ऑयल आ गया है तो आप इसको हल्का सा स्प्रे कर लें तो आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फेस पैक। और गाइस फेस पैक के लिए तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप घर में जो भी DIY फेस पैक्स होते हैं वही यूज करें। आप बेसन में थोड़ी सी टर्मरिक और थोड़ा सा हनी मिला के, थोड़ी सी मलाई मिला के भी अपने फेस पे लगा सकते हैं। इसके अलावा आप मुल्तानी मिट्टी के फेस पैक भी बना सकते हैं, मतलब अगर आपको पता लग गया कि आपकी स्किन जो है वो किस टाइप की है तो आप उसके हिसाब से घर में बने हुए ही DIY फेस पैक जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप कोई नीम फेस पैक भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ये बायोटिक का नीम फेस पैक है और आई थिंक हिमालय का भी एक नीम फेस पैक जो है वो अवेलेबल है, और ये हिमालय का मर्ड फेस पैक है, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह के जो DIY फेस पैक है वो तो आप घर में बना ही सकते हैं और आपको मार्केट में भी हिमालय और बायोटिक में काफी फेस पैक जो है वो मिल जाएंगे। टीनेजर्स को मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप अपने फेस पे महंगे महंगे सीरम्स वगैरह लगाने शुरू कर दें। अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर जो है वो यूज कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ही ड्राई है तो आप इस तरह के शीट मास्क जो है वो यूज कर सकते हैं। और जैसे विंटर्स में हमारी स्किन जो है वो काफी ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, पैची हो जाती है, तो ये जो स्किन मास्क है ये आपको इंस्टेंट हाइड्रेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एक चीज जो मैं आप लोगों को हाईली रेकमेंड करूंगी कि इसको आप अपने स्किन के रूटीन में जरूर इंक्लूड करें, वो है ये एलोवेरा जेल। आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं और एलोवेरा जेल लगाने के फायदे बहुत सारे हैं। ये आपकी स्किन को इंस्टेंटली हाइड्रेट करेगा और मॉइस्चराइज करेगा, बिल्कुल भी स्टिकी स्टिकी नहीं होता है, सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, एक्ने को, पिंपल्स को कंट्रोल करता है। अगर आपकी स्किन में छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स हैं ये उसको भी दूर करता है, मतलब पिंपल के जो स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं ये उसको भी दूर करता है और आपकी स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट और सपल बना देता है। एक खास बात कि आपको अपनी स्किन को हमेशा हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रखना है तो इसके लिए आपको पहले तो बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा। और इसके अलावा आप अपनी स्किन पे एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करें, सुबह भी और रात को सोते वक्त भी। और आप यूज कर सकते हैं ये बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर, ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। और इसके अलावा आपको कोई और मॉइस्चराइजर अगर सूट करता है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। टीनेजर्स में एक बहुत ही बड़ा मिथ जो मैंने देखा है, मतलब वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स में जो कि बोलते हैं कि ये आपको इंस्टेंट व्हाइटनिंग देंगे या आपकी स्किन को एक ही दिन में गोरा कर देंगे। तो इस तरह की जो व्हाइटनिंग क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल है तो मैं आपको बता दूं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और वो आपकी स्किन को काफी हद तक खराब भी कर सकते हैं, और केमिकल्स भी बिल्कुल वो चीप वाले जो बिल्कुल एकदम नीचे लोअर क्वालिटी वाले केमिकल्स होते हैं वो होते हैं उसके अंदर। तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप इस तरह की क्रीम्स अपने फेस पे लगाएं। पहली बात तो जो कलर है हमारा वो तो वही रहने वाला है, कोई भी ब्राइटनिंग क्रीम लगा के मतलब आपका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी स्किन को सॉफ्ट रखेंगे, क्लीन रखेंगे, तो आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा सा ग्लो आएगा। और आई थिंक जो ग्लो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन आपके स्किन का गोरा होना। सबसे खास चीज जो आपको कभी भी भूलनी नहीं है वो है सनस्क्रीन लोशन। जब भी आप धूप में निकले तो सनस्क्रीन लोशन लगा के ही निकले, और सनस्क्रीन लोशन जो है वो कोई भी 150 की रेंज में तो मुझे नहीं मिला। तो मैं रेकमेंड करूंगी ये लोटस का सेफ सन वाला, क्योंकि आपको यूवी ए और यूवी बी दोनों ही रेज से प्रोटेक्ट करता है। और मैं इसको यूज करती हूँ, इसका मतलब जो बेनिफिट है वो काफी ज्यादा है, काफी अच्छा इफेक्ट आता है मेरी स्किन पे। तो मैं भी रेकमेंड करूंगी कि आप जब भी घर से बाहर निकले सनस्क्रीन लगा के ही निकले। लिप्स की केयर करना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो फटे हुए चैप्ड लिप्स जो होते हैं वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते, तो उसके लिए ये वैसलीन तो है ही, मतलब हमेशा हमेशा के लिए। और इसके अलावा अगर आप चाहे तो आप कोई भी लिप बाम यूज कर सकते हैं। मैं ये लोटस का लिप बाम यूज करती हूँ, आप कोई भी लिप बाम यूज कर सकते हैं। ये जो लिप बाम है ये आपके लिप्स को काफी देर तक मॉइस्चराइज रखता है, और बहुत ज्यादा जरूरी है हर 4 से 5 घंटे में आपको एक अच्छा लिप बाम अपने लिप्स पे अप्लाई करना।
एक और चीज जो काफी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है आप लोगों के लिए वो है ये वेट वाइप्स। आप इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स जो है वो खरीद सकते हैं और इसका फायदा ये होता है कि जब भी आपको मेकअप रिमूव करना है तो आप इससे अपने मेकअप को वाइप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप घर से बाहर है, फेस वॉश नहीं कर पा रहे हैं और फेस में काफी ज्यादा ऑयल आ गया है तो आप इससे अपने फेस को वाइप कर लीजिए और उससे आपके फेस का जो ऑयल है वो निकल जाएगा और आपका फेस जो है वो एकदम फ्रेश नजर आएगा। सो गाइज, दिस वॉज माई टूडे स्किन केयर रूटीन वीडियो एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगा, काफी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। और फिर भी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कोई और वीडियो बनाऊं मैं इसी किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आती रहती हूँ गाइज। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर।